तो द बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज़। अगर आप भी कोडिंग करना चाहते हो, कलर कडिंग करना चाहते हो, ऑटो कैड का काम करना चाहते हो, ऑफिस का काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग या फिर आप गेमिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट वीडियो ये हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट बजट लैपटॉप्स के बारे में, जो कि 50,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखो, अगर आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप लेना चाहते हो, सो इस वाले लैपटॉप को जरूर दे सकते हो। दिस इज ASUS VIEWBOOK 15। अगर आपको एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए, डेफिनेटली आप ऑफिस के सारे काम वगैरह करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी काम अपने घर में बैठ के करते हो, आप एक स्टूडेंट हो या फिर ऑटो कैड वगैरह चलाना चाहते हो, इसको देख सकते हो। ये वाला लैपटॉप आपको 42,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। प्राइस उतना नहीं है, बट इसके अंदर जो जो चीजें है आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। इस लैपटॉप में आपको 12th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि i3-1220P नाम का प्रोसेसर है। यहाँ पे 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स दिए गए हैं। मेरे पीसी में भी अगर आप लोग देखोगे ना, 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं, बट इसके अंदर मोर देन इनफ मिलते हैं। कोई भी काम में आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप बेंचमार्क्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे स्कोर्स आपको मैंने मेंशन किया है। इस प्राइस के अंदर मिलने वाले दूसरे लैपटॉप की तुलना में इस वाले प्रोसेसर का जो बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह है वो बहुत ही बेहतरीन है। HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि बेस्ट इन परफॉर्मेंस है। 8GB का रैम है, जो कि 3200 MHz में रन करता है। 24GB तक आप इसके रैम को एक्सपांड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। 512GB का एक NVMe M.2 SSD मिलता है, विच इज एक्सपांडेबल। इस लैपटॉप के अंदर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का है, जो कि 15.6 इंच का IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट लेकर आता है एंड 2200 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 4-5 hours तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप प्रोवाइड करता है। इस लैपटॉप को लेने के और भी बहुत सारे खास रीजन है, लाइक मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आपको मिल जाता है। 180 डिग्री तक आप इस लैपटॉप को हिंच कर पाओगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्राइवेसी शटर भी आपको देखने को मिल जाता है। 42,000 रुपए के अंदर में मिलने वाला द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप आप इसको बता सकते हो। बाय द वे, इस लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हो। नाउ दिस इज HP 15S। जी हाँ, इस प्राइस के अंदर मिलने वाला ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें डबल रैम आपको देखने को मिलता है। इट्स मीन यहाँ पे आपको 16GB का रैम मिलता है। इस प्राइस के अंदर देखा जाए तो इस लैपटॉप के अंदर ही आपको 16GB का रैम देखने को मिलता है। तो 16GB का रैम मतलब आप और भी बेहतरीन काम कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में, या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो, सब काम में इजिली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। इसका प्राइस 49,000 के आसपास आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। राइजन 5 5500U जैसे फ्लैगशिप प्रोसेसर लेकर आता है, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड्स आपको मिलते हैं। बेंचमार्क आप यहाँ से ही देख सकते हो। ये रेडियन सीरीज के जो आपको ग्राफिक्स है वो भी इस प्रोसेसर में दिए गए हैं। ऊपर से 16GB का रैम है, तो मल्टीटास्किंग में बताओ या फिर कोई भी टास्क बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। बेस्ट इन परफॉर्मेंस है ये वाला लैपटॉप। बैकलिट कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। 512GB का SSD है, जो कि एक्सपांडेबल है। रैम 16GB का ही है, बट आप इसको एक्सपांड नहीं कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है 16GB। 15.6 इंच का एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको 250 nits के साथ मिल जाता है। HP के डिस्प्ले में आपको माइक्रोएज टेक्नोलॉजी मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेटर होते हैं एंड पिक्सल्स आपको बहुत बेहतरीन दिखेंगे। MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 4-5 hours तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। इस लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इस लैपटॉप को लेने की कुछ कुछ खास ऐसे जो रीजन है, Alexa बिल्टिन का सपोर्ट है, इसमें इस वॉइस कमांड देके आप इसको चला सकते हो। ऑल्सो इस लैपटॉप का ही 8GB वाला रैम वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि आपको 2-3 हज़ार और भी कम रुपया में मिल जाएगा। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट लैपटॉप इज MSI मॉडर्न 14। ये वाला जो लैपटॉप है ये MSI की तरफ से आने वाला द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप आप बता सकते हो। 49,000 के आसपास में ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 180 डिग्री तक आप इसको हिंच कर सकते हो। बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगले 2-4 सालों के लिए कोई लैपटॉप अगर आपको नहीं लेना है, बहुत ही ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए, डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो। नाउ इस लैपटॉप में आपको राइजन 7 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। राइजन 5 7530U वाला प्रोसेसर, इसमें 6 कोर 12 थ्रेड है। एकदम ही नए जनरेशन का प्रोसेसर है, रीसेंट लॉन्च प्रोसेसर है। एंड अगर आप बेंचमार्क वगैरह टेस्ट करो तो यहाँ पे आप ग्राफ्स देख सकते हो। लाइक आप बता सकते हो कि राइजन 5 5500U का ये एक सक्सेसर मॉडल है और बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर है। लाइक इस प्राइस में मिलने वाले अदर प्रोसेसर के साथ आप इसका बेंचमार्क टेस्ट करके देख सकते हो। अगेन इसमें भी 16GB का रैम है, जो कि 3200 MHz में रन करता है। एक्सपांडेशन नहीं है। 512GB का SSD है, विच वॉज एक्सपांडेबल। 15.6 इंच का IPS लेवल स्क्रीन मिल जाता है, जो कि 60Hz एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लेकर आता है। इसके अंदर रेडियन वेगा ग्राफिक्स भी आपको मिल जाता है एंड 4-5 hours तक का बैटरी बैकअप है। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये लैपटॉप, डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली अभी के टाइम पे मिलने वाला द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। नाउ दिस इज ASUS VIEWBOOK 16S। दोस्तों ये वाला लैपटॉप मैंने नंबर 2 पे रखा बहुत सारे रीजन की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लैगशिप ग्रेडेड जो परफॉर्मेंस है या फिर जो स्पेक्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 8 सीरीज
सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। अब मैं आपको बता दूं, प्रोसेसर तीन तरह के होते हैं, एक यू सीरीज, एक एच सीरीज और मिडिल में एक पी सीरीज रहता है। जो यू सीरीज होते हैं वो नॉर्मल लेवल वाले जो बजट लेवल में मिलता है ना, 20-25 हज़ार के लैपटॉप उनमें मिल जाते हैं, जिनमें आपको बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, नॉर्मल यूजेस के लिए यूज होता है। मिडिल में एक पी सीरीज आता है, पी सीरीज में क्या है, सब कुछ बैलेंस रहता है और आप काम मॉडर्न तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे नेक्स्ट लेवल वाला जो कि है एच सीरीज। एच सीरीज में आपको बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया मिलेगा एंड यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस ना टॉप नॉच लेवल का मिलता है। बिल्कुल वही प्रोसेसर एच सीरीज में यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, राइजन 5 5600H। सिनेबेंच R23 में आप बेंचमार्क टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि दूसरे प्रोसेसर में से इसका जो परफॉर्मेंस है कितना बेटर है। बाय द वे रेडियन वेगा 7 जैसे मोस्ट पावरफुल ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो नो डाउट गेमिंग में या फिर कोई भी काम में आप कलर ग्रेडिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हो, बढ़िया चलता है। 8GB का रैम जो कि 3200 MHz में रन करता है, 16GB तक आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, 512GB का SSD है विच आज एक्सपांडेबल। दूसरे लैपटॉप की तुलना में अगर देखा जाए इसका डिस्प्ले बहुत बड़े साइज का है, अगर आपको बिगर स्क्रीन चाहिए डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बेजल बहुत पतले है, 16 इंच का बड़ा स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि फुल HD WXGA स्क्रीन है। MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 90W का एडाप्टर बॉक्स के अंदर दिया गया है जो कि भाई बहुत ही फास्ट अपने लैपटॉप को चार्ज कर देता है। बाकी 5 to 6 hours तक बैटरी बैकअप मिल जाता है, कुछ खास रीजन है लाइक पैकलेट कीबोर्ड मिलता है, चिकलेट कीबोर्ड है, फिंगर स्कैनर मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे प्राइवेसी शटर भी देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम पे देखा जाए टॉप नॉच एंड दी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप आप इसको बता सकते हो। इफ यू वांट फ्लैगशिप फीचर्स इन योर लैपटॉप देन डेफिनेटली कंसीडर दिस। नाउ दिस इज ऑनर मैजिक बुक X14, दिस इज अ मोस्ट सेलिंग लैपटॉप ऑफ 2023। देखो अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हो या फिर हाई फाई गेमिंग करना चाहते हो, आपको सिर्फ डिस्प्ले प्रायोरिटी है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। इसका प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहता है, आपको 50,000 के अंदर में इजिली मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ड्यूरेबिलिटी आपको मिलता है वो टॉप नॉच लेवल का है। इसमें आप आगे देखो पीछे देखो पूरा तरफ टोटल आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है। ये लाइट वेट है एंड ईजी टू कैरी है एंड अगले 4-5 सालों तक अगर आपको लैपटॉप में ड्यूरेबिलिटी लेकर कोई डर नहीं है तो डेफिनेटली भाई इसके तरफ देखो। आप कहीं पे जा रहे हो, आपका ऑफिस है या फिर आप दूसरे कहीं जगह काम करते हो, कैरी करना चाहते हो लैपटॉप, इससे अच्छा ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन मेरे ख्याल से अभी नहीं मिलेगा इस प्राइस के अंदर। डिजाइन ही नहीं, परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो i5-12450H सीरीज का लैपटॉप है, 8 कोर 12 थ्रेड है एंड अगर आप ग्राफ देखो बेंचमार्क के तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है इस बजट के अंदर मिलने वाले जितने भी प्रोसेसर है उनमें से टॉप नॉच लेवल का आपको मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 8GB का जो रैम आपको मिलता है ना वो 8GB का तो है बट यहाँ पे जो मेगाहर्ट्ज है वो बहुत ज़्यादा है, 4266 MHz का एक हायर फ्रीक्वेंसी वाला रैम मिलता है जो कि मेरे ख्याल से 16GB के रैम अगर नॉर्मल आप लगाते हो 3200 MHz के तो ये 8GB का रैम उन दोनों को अकेले देख लेगा। 512GB का SSD है, एक्सपांडेबल है, 14 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलता है, 300 nits का ब्राइटनेस है एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 100% sRGB है। तो इसका एक 16 इंच वाला मॉडल में मिलता है, दोनों का लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी 5 to 6 hours तक बैटरी मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग मिल जाता है एंड यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि ऑल्सो पावर बटन है। अब इसमें दो वेरिएंट तो आते हैं जैसे बताया, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी के टाइम पे सबसे बेटर डिस्प्ले एंड सबसे बेटर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है ये, कंसीडर कर सकते हो। दिस इज टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 50,000 rupees। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो एंड आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बताता हूँ मैं रिसर्च करके आपको देता हूँ ताकि आपको भी भाई सबसे टॉप नॉच लेवल का लैपटॉप मिल पाए। अगर आपको भी दूसरे ऐसे किसी बजट के अंदर लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली कॉमेंट में बता सकते हो, आई विल मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल।